गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, भाई बुद्धू साहिब जी अड्डन शाही दे जीवन समाचार। संसार विच अनेक मनुख पैदा होए, जिन्हां अपने ऐश्वर्य, प्रताप, बाहुबल, विद्या नाल अपने समय विच प्रसिद्धता पाई, परंतु उन्हां दे अखां मीटण दे नाल ही उन्हां दा नाम भी संसार तो लोप हो गया। परंतु इस दे टाकरे ते जिन्हां लोकां ने दूजियां दे भले लई अपने आप नूं अर्पण कर दिता अते जिन्हां ने वाहिगुरु चिंतन विच अपनी आयु बतीत कीती, वो अखां मीटण मगरों संसार विच सूरज वांग चमके। समें दे गुजरन नाल उन्हां दी कीर्ति वधी ते अमर हो गए। हाँ जी, समें दे गुजरन नाल उन्हां दी कीर्ति वधी ते अमर हो गए। इस तरह दे सत्यवादी करनी वाले ते नाम दे रसीए गुरसिखी दे चमक दे सितारियां विचों एक गुरु के लाल भाई बुद्धू साहिब जी शाहपुर वाले होए हन। जन्म आप जी दा जन्म स्थान पिंटाली शाह जीवने दे इलाके जिले झंग दा है। बालपन विच ही माता ते पिता दी छतर छाया सिर तों उठ गई। ए सट अजेही नहीं सी जिसनू के आप भुल जांदे। बचपन विच ही ए आप दे सुते वैरागी मन उते उपरामता दा असर पा गई। आप दे जन्म दा ठीक समत नहीं मिलिया, पर वड्डे आदमियां पासों खोज करन ते टो इत्थों तक लै जांदी है कि 1850 तों 1855 समत बिक्रमी दे विचकार आप दा जन्म होया है। नित क्रिया ते धर्म दी किरत। बालपन विच ही आप दा रुख सत्संग वल है सी। गुरद्वारे दोनों वेले जाना, कथा कीर्तन बाणी दे पाठ वल आप दी रुचि दिन ब दिन वधदी रही। आए गए सिख अभ्यागत दी सेवा विच आप खुशी अनुभव कर दे। खट काल के जो कुछ हाथां दा उदे नाल अपना निभा कर दे। जो कुछ बच जांदा वो दुखी दरिद्री ते संतां दी सेवा विच खर्च कर देंदे। 22 साल दी आयु तक काल खाए किछ हाथों दे आप धार नहीं रहे। आप दे नगर विच दूज दे चंद्रमा वांग आप दा सत्कार होण लग पिया ते आप दी कीर्ति दिन ब दिन फैलन लग पई। गुरु घर विच चोरी मना है, ठगी मना है, पराया हक मारना मना है, पर किरत करनी मना नहीं। श्री गुरु नानक देव जी दा अहमदाबाद वाला प्रसंग प्रसिद्ध है। आपने तरखाण लालो दे घर दी कोदरे दी रोटी विच दुध ते मलक भागो दे पूड़े ते कचौड़ियां विच रत दसी सी, जिस दा भाव ए सी कि दसा नौवा दी किरत करके कमावना ते खाना हक हलाल दी कमाई है। इस नूं दुध समझो। गरीबां ते जुल्म करके ठगी पहनामी नाल कमाए रुपए दे नाल ऐश करनी माड़ी है। कोई किरत माड़ी नहीं, किरत करन वाला नीवा नहीं, किरत करन नाल बरादरी विच दर्जा घटदा नहीं। ओह तां हक हलाल दी कमाई खाण वाला होण ते सर्वोत्तम है। सो भाई बुद्धू जी हक हलाल दी किरत करदे सन, अपना निर्वाह टोरदे सन ते बाकी दान करदे सन। अपने पिंड विच जो काम मिल जांदा आप कर लिया करदे सन। किसे मेहनत नूं माड़ा नहीं सन समझदे। उन्नी दिनी कला मशीनरी ते कारखाने नहीं सन हुंदे। घरां दे कामकाज ते वाही दा कार व्यार ही हुंदा सी। एक दिन एक शाहूकार ने भाई बुद्धू जी नूं सद्या ते कहा कि एक कपाह है, इस नूं वेलना है, कल तो वेलना शुरू कर देवो। भाई साहब ने कपाह अंदरों कढ़ के कोठे ते चढ़ाई ते धुप विच खिलार दिती। फिर चंबड़ी यानी सोटे नाल चंगी तरह चंब के उहदे विचों मिट्टी कूड़ा करकट कढ़ दिता। इस तरह चोखी सारी कपाह सवेर लई तैयार करके आप दिल विच ए धार के कि कल वास्ते काफ़ी काम मिल गया है घर चले गए। संध्या वेले शाहूकार ने अपनी एक आसामी पास आदमी भेजिया कि कल मैं किते बाहर जाना है, मेरी घोड़ी बीमार है, तुसी घोड़ी देवो। आसामी नू आप घोड़ी दी लोड़ सी, इसलिए उसने देणो ना कर दिती। शाहूकार हंकार विच मतिया, उसदे गल पै गया। वह अगों मिनता करे, अंत नू शाहूकार ए कह के कि कल तेरी खबर लवांगा
तू होवे कौन जो मेरे अगे ना करें, घर आ गया रब दे रंग। रात नू रोटी खा के पिछों सौण लग्या, शाहूकार नू पेट विच सूल उठिया। इसे अफड़ा दफड़ी विच उस दे घर अग लग गई ते सारा समान सड़ के सुआह हो गया। दूजी पलक भाई बुद्धू जी कपाह वेलने वास्ते उहदे घर आए, अगों की डिठो ने कि शाहूकार दा घर सड़ के सुआह हो गया है ते कोई चीज़ नहीं बची। भाई बुद्धू जी इस अज दी बेरोजगारी दे हथों उदास बहुत होए ते दिल विच अपने पिंड दे छड्डण दी धारना तार ली। सत्संगी तां सन ही, दिल दे विच ये ख्याल भी आ गया कि जे पिंड छड्डना ही है तां किसे अजे टिकाणा चलना चाहीदा है जिथे लोक परलोक दोनों दा उधार हो जाए। पहरे जाना ते नाम प्राप्त। श्रीमान संत दुख पंजन जी पेरे वाले अपनी करनी ते गुरमुखताई दे कारण सारे इलाके विच प्रसिद्ध सन। उन्हां गुरु सवारियां तो हजारां जग्यासुआं ने लाभ उठाया, परमार्थ सुधारिया ते प्यारे गुरु नानक दी गोद प्राप्त। भाई बुद्धू जी ने भी इन्हां दे मिलन हित इन्हां दे डेरे जाण वास्ते कमर कसे कर ले। संतां दा इस तरह दा जस सुन के आप पहरे आए, अगों संत जी म्याणी पिंड सन, आप उन्हां नूं उत्थे जा मिले। दर्शन कीता, दिल नूं शांति प्राप्त होई, हिरदा खिड़ गया, संतां ने प्यार दिता, सिर ते हथ तरिया ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूरों नाम दी दात बख्शी। नाम बाणी विच लग के भाई बुद्धू जी सेवा टहल बड़े प्यार नाल करन लगे। ज्यों ज्यों सेवा नाम बाणी दा प्यार निर्माणता वेखण, संत जी बड़े प्रसन्न हो ते डेरी दी सेवा इन्हां नूं दे के आप थां थां ते गुरद्वारे बनावण, खूह लगवाउण ते नाम बाणी दे प्रचार वास्ते चले जाया करन। भाई बुद्धू जी सेवा दी मूरत बने वैराग दशा विच वरत दे वाहिगुरु दे प्यार विच बेबल रहण लग पए। संत जी जद पहरे आवण इन्हां दी सेवा जियां दी प्रसन्नता ते परोपकार सुन सुन के बड़े खुश होण। अंत इन्हां नूं लायक समझ के अपनी हथीं डेरे दी सेवा इन्हां नूं दे के आप उने बाबे साहिब जी पास जा रहे। उत्थे धर्मशाला पा के नाम बाणी दे कीर्तन दा प्रवाह चलाया, गुरमुखी विद्या पढ़ावनी शुरू कीती ते आखरी दम तक उत्थे ही टिके रहे। भाई बुद्धू जी भी दर्शन करन उत्थे कई वार गए, अंत चलाने वेले भी पास ही सन। संत दुख भंजन साहिब जी दे चलाने मगरों आप जी ने डेरे दी सेवा चंगी तरह निभाई। नाम विच रते रहना, हाथी मुंज दी किरत करनी, मुखों बाणी दा पाठ करना, थोड़ा बोलना ते माया धारियां तो बेपरवाही रखनी, डेरे विच आए परदेसियां नूं सुख देना, कई वेर अपनी हाथी तंदूर तो रोटियां तक पका देनियां, बाणी नाम दा प्रवाह भी डेरे विच चंगा जारी रखना। अगला है निमरी पाओ। एक दिन आप तंदूर तपे हुए पास खड़े सन, एक सिपाही आया ते कहन लगा, ओ भाई रोटियां पका दे। भाई साहब जी अपने रंग रते उठे, सिपाही दियां रोटियां तंदूर ते लाउन लगे, दो चंगियां पक गईयां, तीसरी नूं बहुत सेक लग गया। सिपाही ने गुस्से विच आ के भाई साहब जी नूं एक चपेड़ कड़ मारी। उसनूं पता नहीं सी कि आप महान साहब हन। भाई साहब जी वाहिगुरु जी दे रंग रते, सहनशीलता दे पुंज उसनूं कहन लगे, भाई शाबाशे, ये बुद्धू दा बुद्धू है, इसनूं एक चपेड़ होर मार। हाँ दोए पासे एक होर मार, ये मूरख है, इसनूं मत नहीं आउंदी। इस तरह दे वाक कह दूजी गल उसदे अगे धर दित्ती ते फिर कहन लगे, इसनूं होर मार। सिपाही ये निम्रता दे वाक सुन ते संतां दा उस वेले दा प्रभाव वेख, संतां दी चरनी टैठा, बख्श लो कहन लगा। जिस वेले बहुत बेनतियां कीतियां तद उसकी दिली निम्रता तक के भाई जी बचन कहन लगे, भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चरनी लगो, ओ बख्शन वाले हैं, मैं तो गुलाम टहलियां पापी हाँ, ओ दया दे समुंदर हैं। इस तरह करके उसनू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण पाया ते जपजी साहिब आदि बाणी पढ़न का बचन किया। सो संतां दी मेहर नाल चपेड़ मारन वाला रोज़ नितनेम करन लग पिया ते संतां दे बचन सुन सुन के
धारण करन लग पिया। इस तरह सहजे सहजे शुद्ध हो गया ते संतां दा संग करदा आप उभरिया ते होरना दा उधार करन वाला होया। अगला है जी दया। एक दिन आप जी सहज सुभा बाहर बन नू जा रहे सन कि एक खोता बहुत दुखी नजरी पिया। ए बहुत लागे दा मारिया होया दुखी ते निर्बल सी। इस नू नकारा जान के कुम्हार ने घरों बाहर कर दिता सी। ए कुछ दूर बाहर जाके ज्यों टठा फिर नहीं उठ सकया। कुछ दिन पिया रहा अंतले स्वासां ते अपड़ गया। संतां ने उसकी ए दशा वेखी द्रवे बहुत पर दिसदा सी कि हुण पानी पठा दवा कुछ नहीं पो सकदी। व्याकुल होए कि असी हुण इस नू कोई सहायता नहीं पहुँचा सकते। फिर सोच सोच के आप उसके पास बैठ गए। श्री जपजी साहब दे पाठ करन लग पे। उसकी दुख निवृत्ति वास्ते कई पाठ आपने किए। पिछों डेरे दे साधा ने सोचा कि की पाणा वरत्या। सन सवेर दे गए डेरे नहीं परते किधर गए। सो सब ने ढूंढ भाल की ते उथे आ मिले। बेनती की महाराज डेरे चलो बहुत देर हो गई है। संतां क्या भाई असी अजे नहीं आउंदे। ए एक जीव दुखी अंतले स्वासां ते है। इसकी जिंद का छुटकारा होवे ते इसका पार उतारा होवे इसलिए पाठ अरदास वजों कर रहे हैं। इसकी सदगति करके आवांगे। तो आप पास बैठे पाठ करते रहे। थोड़ी देर पिछों खोते दे स्वास निकल गए। संत उसनू फिर एक टोया पुटवा के दबवा के डेरे गए। ये हद दर्जे दी जीव दया। अगला है प्रसिद्धि। भाई बुद्धू साहब जी अपनी करनी दी कीर्ति नाल सारे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए सन। आम तौर ते देखण विच ये गल आई है कि कई वड्डे आदमियां दे लागे रहण नाल उन्हां ते इन्नी शरदा ते भावना वाले नहीं होंदे जिन्नी के कुछ विथ ते रहण वाले होंदे हन। इहदा एक कारण ये होंदा है कि निकटवर्ती उहदी अपनी जात गोत बरादरी ते पिंड आदक दा जाण के उसकी करनी वल वेखण दी थां अपने विचों होया देख के कीर्ति नू नहीं जर सकते। पर भाई बुद्धू साहब जी अपनी उच्ची ते सुची करनी दे कारण इन्ने उजागर हो गए सन कि दूर दे आम आदमी तो शरदावान सन ही नेड़े दे ते साख संबंधी भी बहुत सत्कार करते सन। सात संतां विच भी बड़े मान्यवर हो गए सन। सब उन्हां दी सुहिदरता ते सच्चाई अगे सिर निवाउंदे सन। अगला है अनोखा न्याय कीता। तेरे शहर विच सन्यासी संतां दे दो डेरे सन। एक परमहंसा दा ते एक नांगिया दा। एक डेरे दा देग बरा दूजे डेरे वाले मांगवा लै गए। कारज सर जाण पिछों जिन्हां दा देग बरा सी उन्हां मंगिया ना जिन्हां आंदा सी उन्हां वापस ना दिता। कुछ समा बीत जाण ते जद देग बरे वालियां देगबरे दी भाल कीती तां डेरे विचों ना मिलिया। उन्हां नू याद आ गया कि ओह तां दूजे डेरे वालियां नू दित्ता होया सी उत्थों मुड़ के नहीं आया। सो उन्हां ने डेरे वालियां तो मंग कर लिया। उन्हां ने देखभाल कीती पर उन्हां नू भी ना मिलिया जिस ते उन्हां ने कह दिता कि असां तुहानू दे दिता होया है। जिन्हां दा देगबरा गुआचा सी उन्हां ने पंचायत सदी पर डेरे वालियां ने पंचायत दे अगे भी ना कर दिती। हुण ओ सारियां तो वड्डी अदालत भाई बुद्धू साहब जी दी समझदे सी। सो ओ इना पास फरियादी आ होए। भाई बुद्धू जी ने जद उस डेरे दे साधा नू सद भेजिया तद ओ सोचां विच पै गए। ओ जाणदे सन कि देग बरा वापस दिता नहीं। जे हुण संतां दे सामने जाके कहिंदे हां कि दे दिता है तद ए झूठ है। भाई साहब जाणी जाण हन जे उन्हां मूहों कुछ कह दिता तां ओह सत होए बिना टलेगा नहीं ते जे कहा कि हुण दे देंदे हाँ तद पंचायत दे सामने ना कर चुके हैं। लोकी कहणगे कि वेखो साधु झूठ बोलते हैं। ये विचार के डेरे दा महंत अंदर लुक गया ते अपने चेले पासों कहला दिता कि महंत जी इस वेले इत्थे नहीं हैं। भाई बुद्धू साहब जी नूं असलीयत मालूम हो गई। उन्हां ने इस विखान दे वधण नूं रोकण लई अपने एक ठठियार नूं सद के उसे नमूने दा ते उड़ा ही देगबरा बनावण लई कहा। जद ओह आ गया तां कुछ वरत के डेरे वालियां पास पहुँचा दिता। इस तरह दोहां डेरियां दी
खै खै मिट गए। जिस डेरे वालियां पासों देख बरा गुआचा सी, जद उन्होंने पता लग गया कि भाई बुद्धू जी ने साडा पर्दा पाड़न ते झूठे करन दी नहीं कीती, सगों अपने कोलों दूसरे डेरे दी लोड़ पूरी कर दिती है, तां वो बड़े पछिमान होए ते भाई बुद्धू साहब जी दी शरणी आ पए। भाई साहब ने उन्होंने सिख्या दिती कि तुसी घर बार छड़ के भेख ले हन, जे ना छड़ चुकियां वस्तां नूं ही फिर ग्रहण करना सी तां घर क्यों छड़े, जे मोह ते माया दे बंधन अजे नहीं टुटे तां फिर कदों टुटणगे। डेरियां विच रहो, अनाथां अतिथियां लई लंगर चलाओ, पर निर्मोह होके जे घर बार छड़ के भी झूठ दी टेक है तां कादा वैराग, कादा त्याग ते कादी फकीरी। इस नालों तां गृहस्थी चंगे जो आप कमा के खांदे हन ते होरना दे मूँह भी पाउंदे हन। आपस विच प्रेम ते प्यार नाल रहो, ये संत दा भूषण है, रख शोक विच नहीं पैना, तुसी संसार दे मलाह हो, जे तुहाडा ही ये हाल है तां संसार दा की बनेगा। गुरु गुरु जपो ते अपना जन्म सवार। अगला है योगी राज नूं शक्ति दिखाई। योगी जी कांशी विच निवास रखदे सन, उन्हां नेती धोती ते नेउली आदि कर्म कीते, यम नियमां दी पालना भी कीती ते हठ योग दे अमला विचों भी लंघे, पर परम गति ना पले पई। जग्यासा दी हालत विच फिरदियां उसने भाई बुद्धू साहब जी दी महिमा सुनी, कांशी तो तुर पए ते भेरे आ डेरा लाया। कांशी दे साधां ते इस डेरे दे साधां विच बड़ा अंतर सी। योगी जी ने भाई साहब जी दी महिमा सुन के अपने दिल विच जो चित्र भाई साहब बाबत खिच रखिया सी, दर्शन करन ते उसनू ओ ना दिसी। इन्हां दा ख्याल सी कि नगन शरीर, एक अध कखाए बस्तर, अत निर्बल जिसम, आसन ते बैठे जां लेटे होना ते किसे काम नू हथ ना लाउणा, इन्हां दी सूरत ते वरतो होवेगी। पर इत्थे आके की वेख्या कि सफेद बस्तर तारी हन, सवेरे गुरद्वारे विच भजन कीर्तन फिर प्रशादा, दिने मुंज दी कुटाई ते रस्सियां बना के वेचना, जिस नाल अपना निर्बाह ते आए गए दी लोड़ अनुसार सेवा, आओ भगत ते प्रशादा तोरना, रात नू रहरास दा पाठ, कथा कीर्तन सवेले दा पाठ, सवेरे 3 बजे उठ के ओही फिर इशनान भजन कीर्तन ते कथा। पहले तां ओ हैराने आ, पर फिर इस डेरे दी इस करनी ने योगी दे दिल विच प्यार पैदा कर दिता। भाई बुद्धू जी दे मिठ बोले, चंगे सुभाव ते नाम बाणी दे रस ने असर पाया। पर योगियां वाले साजबाज इत्थे ना वेख के योगी कुछ उपराम जिहा रहा करे, ये योगी सवेरे प्रसाद छक के बाहर निकल जांदा ते वस्ती तो दूर किसे थां ते बैठा रहिंदा, रात नूं 10 बजे ये डेरे आउंदा सी। जिहड़ी कुटिया इन्हां नूं रहण लई मिली होई सी उस दे विच भाई पाने दे हथी भाई बुद्धू साहिब चीज़ां खाण पीण लई रखवा देंदे सन, जो आ के इन्हां ने छक लैणियां। कुछ दिन इसे तरह बीते, लगातार कुछ दिन रात नूं छकण वास्ते योगी जी जो मन चितवदे भाई साहब ओह ही चीज़ां इन्हां दी कुटिया विच रखवा देंदे सन। योगी जी डाढे तो चित्ते जे हो रहे सन, मन विच चितवियां चीज़ां दा बिना दसे मिल जाना हैरान करदा सी, ते इस दे दिल विच भाई साहब बाबत उच्चे प्रभाव पैदा होंदे सन। पर गृहस्थियां वाले कपड़े पाए वेख के उन्हां दे दिल विच कुछ परमारत दी गल पुछणों संग जे आ जांदी सी। एक दिन दिल विच ख्याल आया कि हुण इत्थों चलना चाहीदा है, फिर सोचिया कि डेरे दे नाल कोई जागीर नहीं, जमीन नहीं ते ना ही खास रोज़ चढ़ावा चढ़दा है जिस दे नाल इन्हां दा निर्यतन निर्वाह हो सकदा होवे। डेरे दे साथ बड़े शांति सुभाव सुहिर ते निर्माण हन, इन्हां दी कुछ सहायता करनी चाहीदी है। ये विचार के जोगी ने अपनी गुथली विचों बिल कढ़िया ते अलमारी विच रख दिता, नाल ही एक रुका लिख के रखिया, 250 कली लै के उसनू अग ते रखो, जद वो चंगी तरह पंगर जाए इस बिल विचों एक रती सफूफ लै के उस विच पा दियो, वो चांदी बन जाएगी। योगी जी ने बिल ते रुका अलमारी विच रख के बाहर दरवाजा लगा दिता। वो चाहते सी कि चाबी भाई बुद्धू साहब जी दे हाथ दे के इशारा कर दें
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਤੋ ਆਪ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਖਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਯੋਗੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਝਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਣਾ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫੜਾਉਣਾ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੇਖੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਸ ਇੱਟ 'ਤੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੱਜਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਿਆਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਅਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਚਿਆਈ ਦਾ ਕੁਝ ਝਾਂਵਲਾ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਵਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਚਾਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਯੋਗੀ ਰਾਜਪਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਕ ਭੇਦ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਕ ਬਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵੇਸ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਠਾਧੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਰਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਇੰਨੇ ਪਸੀਜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜਨ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਸਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਗੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਲੱਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੰਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਗਲੀ ਨਾਲ ਮੁੰਝ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਧੰਨ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸੇ ਹੋ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸੇ ਹੋ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
इस लिखत का अगला हिस्सा आप जी अगे पढ़ के सरवण कराने की कोशिश करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।